हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एबीसी ऑफ सोशियोलॉजी क्लास। आज इस लेक्चर के बारे में हम बात करने वाले हैं, वो है रेशियल एंड लिंग्विस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्राइब्स इन इंडिया। इससे पहले जो लेक्चर हमने लास्ट लेक्चर जो था उसमें हमने बात की थी ज्योग्राफिक एरिया के बेसिस पे या ज्योग्राफी के बेसिस पे जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्राइब्स इन इंडिया, जहाँ मैम हमने बहुत सारे एरियाज़ को डिवाइड किया हुआ था और हमने उसमें एग्जाम्पल्स भी बताई हुई थी कि कौन से एरियाज़ में हमें कौन से ट्राइब मिलते हैं। सो आज इस लेक्चर के बारे में हम बात करने वाले हैं, उसमें हम लोग क्या करेंगे, ट्राइब्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किसके बेसिस पे, या फिर हम क्लासिफाई करेंगे ट्राइब्स को किसके बेसिस पे, रेशियल एंड लिंग्विस्टिक बेसिस, दैट मींस फिजिकल अपीयरेंस एंड लैंग्वेज के बेसिस पे। लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। ओके, अब यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जब भी आपको अगर इनकेस लॉन्ग टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में, तो आपने सबसे पहले अगर आपको ज्योग्राफिकल एरिया डिस्ट्रीब्यूशन पूछा जाता है ट्राइब्स का, या रेशियल या लिंग्विस्टिक, तो फर्स्ट यू हैव टू टॉक लिटिल बिट अबाउट ट्राइब का मीनिंग बताओ इंट्रोडक्शन में कि ट्राइब का मीनिंग क्या है, थोड़े बहुत कैरेक्टरिस्टिक्स, देन आप उसके बाद बताओ कि ट्राइब्स को हम लोग बहुत सारे बेसिस पे जो है क्लासिफाई कर सकते हैं, ज्योग्राफिकल, रेशियल एंड लिंग्विस्टिक। सो जो आपको फिर जो क्वेश्चन पूछा होगा एग्ज़ाम में, फिर आप उसके बाद उसको स्टार्ट करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको रेशियल डिस्ट्रीब्यूशन पूछा गया है तो आप रेशियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें। स्टार्टिंग विद द रेशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्राइब्स इन इंडिया, ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल एट्रीब्यूट्स एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैव ट्राइड टू कैटेगराइज द ट्राइबल पॉपुलेशन फ्रॉम टाइम टू टाइम, but due to the lack of available knowledge and scanty direct evidence, the determination of the racial genesis and affinities of the tribal communities of India is a very complicated task. The first attempt to categorize the Indian tribal communities in a scientific manner based on the racial characteristics was done by Sir Herbert Risley. अब अगर हम रेशियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, तो रेशियल डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग बात करते हैं फिज़िकल एट्रीब्यूट्स की या फिज़िकल अपेयरेंस की, कि जो ट्राइब्स है वो किस तरह से हमें दिखते हैं। ठीक है, आगे आपको इमेजेस से पता भी चल जाएगा जब जो भी टाइप्स है। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने बहुत ट्राई किया ट्राइबल पॉपुलेशन को कैटेगराइज करने का फ्रॉम टाइम टू टाइम, बट हुआ क्या, लैक ऑफ अवेलेबल नॉलेज की वजह से वो इतने अच्छे वे से उसको कैटेगराइज नहीं कर पाए, क्योंकि वो उनके लिए एक कॉम्प्लिकेटेड टास्क बन गया। अब फर्स्ट अटेम्प्ट जो थी, जहाँ पे रेशियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो किया गया था बाय सर हर्बर्ट Risley, he classified the entire population of the country into 7 racial types. अब ही मतलब Risley, Sir Herbert Risley ने क्या किया हुआ है कि जो ट्राइब है या entire population of the country है, उनको क्या किया हुआ है, 7 racial types में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहला टर्को इरानियन, इंडो आर्यन, स्किंथो द्रविडियन, आर्यो द्रविडियन, मोंगोलो द्रविडियन, मोंगोलाइड एंड द द्रविडियन, and no separate classificatory scheme for the tribal population was given. Next aata, a more recent attempt of classification was given by J.H. Houghton, S.C. Guha and D.N. Majumdar, out of which the most accepted classification is that offered by S.C. Guha, who listed 6 main races with 9 subtypes. They are as follows. अब जो रीसेंट क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें, हॉटन ने दी हुई है, गुहा ने दी है, मजूमदार ने दी हुई है, जो मोस्ट एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन है वो है एससी गुहा की, जहाँ पे जो है 6 मेन रेसेस हैं, वो कौन से हैं, निक्रिटो, प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड, मोंगोलॉइड, मोंगोलॉइड में आते हैं पेलियो मोंगोलॉइड्स एंड तिब्बतो मोंगोलॉइड, उसके बाद आता है मेडिटेरियन भी 3 में डिवाइडेड है, एक पेलियो मेडिटेरियन, देन मेडिटेरियन, उसके बाद ओरिएंटल टाइप, उसके बाद है वेस्टर्न ब्रैचिसिफिल्स, और उसके बाद है अल्पिनॉइड एंड डिनार्क एंड आर्मिनॉइड, देन नॉर्डिक। सॉरी फॉर द प्रोनंसिएशन, अगर मैंने किसी को गलत प्रोनाउंस किया है तो उसके लिए आप जो है प्रेफर करें, गूगल से चेक करें कि हाउ टू प्रोनाउंस दीज नेम्स। नेक्स्ट, गुहा हैज ऑल्सो ड्रॉन कंक्लूजन्स एज रिगार्ड टू द रेशियल कॉम्पोजिशन ऑफ द ट्राइब ऑफ इंडिया, दे आर निग्रिटो, प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड एंड मोंगोलॉइड। अब ट्राइब्स इन इंडिया जो रेशियल बेसिस पे है, उसमें हम लोग जो है कितने में डिवाइड, निग्रिटो मोंगोलॉइड, पेलियो मोंगोलॉइड, तिब्बतो मोंगोलॉइड एंड मेडिटेरियन, जो रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन है ये हम ऑलरेडी कम्प्लीट
कर चुके हैं. ओके, एट प्रेजेंट द रेशियल कॉम्पोजिशन ऑफ द ट्राइब्स ऑफ इंडिया इंक्लूड द फॉलोइंग. सबसे पहला हो गया प्रोटो ऑस्ट्रोलॉयड. द ट्राइब्स ऑफ मिडल इंडिया लाइक द मुंडास, द ओरांस, द एचोज, द गॉन्ड्स, द खॉन्स एट्सेट्रा बिलोंग टू द प्रोटो ऑस्ट्रोलॉयड स्टॉक. अब यहाँ पे क्या है, जितने भी हम लोग रेशियल ग्रुप्स की बात करेंगे वहाँ पे उन हम लोगों को ट्राइब्स की एग्जाम्पल बतानी है, एंड जो फिजिकल एट्रीब्यूट्स हैं उस पर्टिकुलर ग्रुप के हमें थोड़ा सा उसको बताना पड़ेगा सो दैट हमारा जो आंसर है वो बेटर हो सके. अब यहाँ की जो ट्राइब्स है ये हमने बता दी. अब दिस ग्रुप इज कैरेक्टराइज बाई डार्क स्किन कलर, शॉर्ट टू मीडियम स्टेचर मतलब हाइट, लो फोरहेड एंड संकन नोज. संकन मीन्स डेलिकेट स्किन आप बोल सकते हो, डार्क कॉम्प्लेक्शन एंड कर्ली हेयर. नेक्स्ट हो गए मंगोलॉयड. द ट्राइब्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया एंड द हिमालयन रीजन बिलोंग टू दिस ग्रुप. दे हैव द टिपिकल फीचर्स ऑफ स्ट्रेट हेयर, फ्लैट नोज, प्रोमिनेंट चीक बोन्स एंड ऑलमंड शेप्ड आईज विद द एपिकेंथिक फोल्ड. ये बहुत इंपॉर्टेंट है एपिकेंथिक फोल्ड. आपको इमेज में शायद से बहुत प्रोमिनेंट होगा आई के पास जो ऐसा स्किन फोल्ड बन रहा है उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं एपिकेंथिक फोल्ड. दैट इज द स्किन फोल्ड ऑफ द अपर आईलिड दैट कवर इनर कॉर्नर ऑफ द आई, उसको हम लोग एपिकेंथिक फोल्ड बोलते हैं. फोल्ड प्रेजेंट एंड येलोइश स्किन कलर. दे हैव मीडियम स्ट्रेचर, हाई हेड एंड मीडियम नोज. नेक्स्ट होकर द वेडियंस. द ट्राइब ऑफ साउथ इंडिया लाइक द कदर्स, द इरुलास एंड द पानियांस. उसके बाद नेक्स्ट है निग्रिटो. द ग्रेट अंडमानीज ऑंग्स सेंटिनलीज हैविंग फ्रिजी हेयर हैव निग्रिटो स्ट्रेन्स. द सिदीज हु माइग्रेटेड फ्रॉम द अफ्रीकन शोर्स ऑफ कोर्स बिलोंग टू द निग्रिटो ग्रुप. नेक्स्ट हो गया लिंग्विस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ट्राइब्स इन इंडिया. अब लिंग्विस्टिक का क्या मतलब है, लैंग्वेज के बेसिस पे ट्राइब्स को कैसे डिवाइड किया गया हुआ है. बिसाइड्स क्लासीफाइंग द ट्राइब्स अकॉर्डिंग टू टेरिटरी दे आर ऑल्सो क्लासीफाइड अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज और लिंग्विस्टिक कैटेगरीज. फोर ब्रॉड लैंग्वेज ग्रुप्स हैव बीन आइडेंटिफाइड अमंगस द ट्राइब्स ऑफ इंडिया विच आर इंडो आर्यन, ऑस्ट्रो एशियाटिक, द्रविडियन एंड तिब्बतो बर्मन. Tracing the linguistic map of India, we can see that the tribal people of India speak different languages in different regions and groups. One can find that the Dravidian language is spoken in southern India and in some pockets in central India. The Austroasiatic language is spoken in some pockets in the northeastern Himalayan region of Meghalaya, in Nicobar Islands and most part of the central India. The Tibeto-Burman language is spoken in the entire Himalayan region, whereas the Indo-Aryan language is spoken in the remaining areas of the rest of the country. Ab yahan pe kitni languages hai? Ek Dravidian language hai, Austroasiatic language hai, तिब्बतो बर्मन लैंग्वेज है और इंडो आर्यन लैंग्वेज है, जिनको हमने डिवाइड कर दिया हुआ है कि वो कौन सी जगह पे बोली जाती है. एलपी विद्यार्थी एंड बिनी कुमार राय इन देयर बुक द ट्राइबल कल्चर ऑफ इंडिया पुट फॉरवर्ड द फॉलोइंग क्लासिफिकेटरी सिस्टम ऑफ द लैंग्वेजेस ऑफ इंडियन ट्राइब्स. फर्स्ट वन हो गया द्रविडियन. ऑल द ट्राइब्स ऑफ साउदर्न इंडिया. अब यहाँ पर क्या याद रखना है, कौन सी लैंग्वेज है, कौन से इंडिया के कौन से पार्ट में बोली जाती है. फॉर एग्जाम्पल द्रविडियन की बात करें तो साउदर्न इंडिया, हमारा जो फोकस रहेगा वो साउदर्न इंडिया पे रहेगा. एज वेल एज द गॉन्ड्स एंड ओरांस ऑफ सेंट्रल इंडिया स्पीक लैंग्वेजेस बिलोंगिंग टू द द्रविडियन लैंग्वेज फैमिली. द गोंदी लैंग्वेज स्पोकन बाय द गॉन्ड्स हु स्प्रेड फ्रॉम उत्तर प्रदेश टू आंध्र प्रदेश एंड फ्रॉम महाराष्ट्र टू उड़ीसा बिलोंग टू दिस लैंग्वेज फैमिली. अदर लैंग्वेजेस बिलोंगिंग टू दिस फैमिली इज द कुई लैंग्वेज विच इज स्पोकन बाय द कंद ऑफ उड़ीसा, कुरुक स्पोकन बाय द उरांस ऑफ सेंट्रल इंडिया, तुलू लैंग्वेज स्पोकन बाय द मलरस ऑफ कर्नाटका, द लैंग्वेज स्पोकन बाय द टोडास, पालियांस एंड इरुलास ऑफ तमिलनाडु, द चिंचूस ऑफ आंध्र प्रदेश एंड कदर्स ऑफ केरला ऑल्सो बिलोंग टू द द्रविडियन लैंग्वेज फैमिली. अब यहाँ पर आप क्या करोगे, जितनी भी लैंग्वेजेस की बात की है, फॉर एग्जाम्पल गोंदी लैंग्वेज या कुई लैंग्वेज की या कुरुक, तो आप इसका एक चार्ट भी बना सकते हो जहाँ पे आप अच्छे से बता सकते हो कि द्रविडियन में कौन सी पहले कहाँ पे हमें जो बोली सुनने को मिलती है, एंड दूसरा आप लोग डिवाइड करोगे कि जो साउथर्न इंडिया में जो जो जगह आती हैं उनमें कौन सी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं.
ज़्यादा आपको स्ट्रेस देने की ज़रूरत नहीं है, जितना भी आप याद रख सकें उतना रखें। कोशिश करें कि आप थोड़े ज़्यादा ही जो है लैंग्वेजेस और प्लेसेस बता सकें या एरियाज़ बता सकें अपने आंसर में। नेक्स्ट हो गया तिब्बतो चाइनीज। दिस फैमिली इज़ अगेन सब डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग सब ग्रुप्स, द सियामीज, बर्मीज, द ताई ग्रुप ऑफ पीपल इंक्लूडिंग कम्प्टिस एंड द फाकलिस स्पीक लैंग्वेजेस बिलोंग टू दिस फैमिली। वंस अगेन सॉरी फॉर प्रोनंसिएशन, अगर कहीं गलती हो जाए तो प्लीज़ आप फिर से इसको गूगल पे चेक कर लेना हाउ टू प्रोनाउंस दीज वर्ड्स। नेक्स्ट हो गया तिब्बतो बर्मन, तिब्बतो हिमालयन ब्रांच, बहुत या खम्पा, मेम्बा, लद्दाखी स्पोकन बाय द मॉन्स, कगाती एंड शर्पा, वेस्टर्न सब ग्रुप ऑफ प्री नॉमिनलाइज हिमालयन ग्रुप, चंबा, लाहौल, स्पोकन बाय लाहौला, स्वागली, किन्नौरी, स्पोकन बाय द किन्नौरा। नेक्स्ट हो गया नॉन प्री नॉमिनलाइज हिमालयन ग्रुप, रॉकी, स्पोकन बाय द लिपचस, टोटो, स्पोकन बाय द टोटोज। नेक्स्ट अरुणाचल ब्रांच, हरूसो, स्पोकन बाय द अकस, मीरी, स्पोकन बाय द मीरीज, मिशमी, स्पोकन बाय द मिशमीज, नॉक्टे, सुलूंग एंड तागिन। असम बर्मीज ब्रांच, बोडो ग्रुप, कचरी, दिमासा, घारो, मिकीर, स्पोकन बाय द कल्बिस, कोच, दोयान, स्पोकन बाय द तिवास एंड रहावा। नागा ग्रुप, अंगामी, जो ये ग्रुप है इसकी कौन सी लैंग्वेज, अंगामी, आओ, चकहिंसंग, सेमा, रिंगमा, लोथा, कौनयक, मरम एंड फॉर्म। कुकी चिन ग्रुप, हमार, कोयरंग, लमगंग, मोनसंग, मोयन, पायते, वाइफी, जो। देन कंचिन ग्रुप, सिंगफो। अपार्ट फ्रॉम द खासिस एंड जैंतियाज ऑफ मेघालय, ऑल द अदर ट्राइब्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड द हिमालयन रीजन स्पीक लैंग्वेजेस बिलोंगिंग टू द तिब्बतो बर्मन फैमिली। नेक्स्ट हो गया इंडो आर्यन, द ट्राइब्स ऑफ गुजरात, राजस्थान एंड द इंडो गैंगेटिक प्लेन स्पीक लैंग्वेजेस बिलोंगिंग टू द इंडो आर्यन लैंग्वेज फैमिली। सम ऑफ द लैंग्वेजेस बिलोंगिंग टू दिस फैमिली इंक्लूड छत्तीसगढ़, गुजराती, मराठी, आसामीज, ओरिया, बायगाना स्पोकन बाय द बायगास, बंजारी स्पोकन बाय द बंजारास, भीली स्पोकन बाय द भिल्स, दार्टिक स्पोकन बाय द बोरपास, गुजरी स्पोकन बाय द गुजर्स, लमानी स्पोकन बाय द लम्बादीज एंड भेगल कंडी स्पोकन बाय द पावर्स। The entire group of the Austric language speaking people and 80% of the Tibeto-Burman speaking people are identified as tribal communities. On the other hand, a meager, that means small portion, 3% of the Dravidian language speaking people and almost 1% of the Indo-Aryan speaking people are identified as tribal people. There is yet another language family spoken by the tribes of the Andaman Island, like the Great Andamanis, the Ongs, the Jarawas and the Santalis. They are loosely called the Andamanis language family. So this was all about racial and the linguistic distribution of tribe in India. So इसमें हमें ज़्यादा कोशिश करनी है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो लैंग्वेजेस हैं और वो लैंग्वेजेस कौन से एरिया या कौन से ग्रुप्स में बोली जाती है और साथ में कौन से रेशियल ग्रुप्स में डिवाइडेड है ट्राइब्स और उनके फिजिकल एट्रीब्यूट्स क्या हैं, ये हमें याद रखना ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको ये आंसर बेटर वे में बनाना है। सो इसके लिए आपको मेमोरी पावर की ज़्यादा अपनी मेमोरी पावर को ज़्यादा यूज़ करना है सो दैट आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्राइब्स भी याद रख सके, ज़्यादा से ज़्यादा लैंग्वेजेस याद रख सके और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स, रेशियल ग्रुप्स एंड उनके फिजिकल एट्रीब्यूट्स। थैंक यू।